हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं CDS 1 2022 का जो एडमिट कार्ड निकाला गया है उसके बारे में, कि आप जो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में, कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को होगा। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो बस निकाल दिया गया है, और हम इस बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दें कि NDA का एग्ज़ाम भी सेम डे पर ही रहेगा, यानी 10 अप्रैल को NDA का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि अभी NDA का एडमिट कार्ड आउट नहीं किया गया है, CDS का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो बात करते हैं CDS के एडमिट कार्ड के बारे में। तो CDS का जो एडमिट कार्ड है वो आप जो है इस ऑफिशियल लिंक के थ्रू जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, upsconline.nic.in पर, या फिर आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास सामने ये पेज आएगा जिस पर लिखा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ई एडमिट कार्ड। तो ई एडमिट कार्ड के बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बाई रजिस्ट्रेशन ID और बाई रोल नंबर। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन ID या रोल नंबर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे लिखा होगा एंटर योर रजिस्ट्रेशन ID, यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे। आपके पास फाइन जो प्रिंट होगी फॉर्म की, उस पर रजिस्ट्रेशन ID लिखी होगी, आप उसमें जो है रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिर उसके आगे आपको जो है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद में आपको जो है कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे, यानी जो सिक्योरिटी कोड है वो आप यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद में आप सिंपली फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको जो है सिंपल यही जो है दो प्रोसेस करने हैं, इससे इसके थ्रू आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन ID आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID कर सकते हैं और क्लिक हेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी और आप अपना रजिस्ट्रेशन ID दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।